मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड में नागरिक शास्त्र विषय में। नागरिक शास्त्र विषय में हमारा एक टॉपिक चल रहा था कि नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से क्या सहसंबंध है। जैसे हमने कल अध्ययन किया कि नागरिक शास्त्र का इतिहास से सहसंबंध, इतिहास और राजनीति नागरिक शास्त्र में क्या संबंध है, उनके कुछ पॉइंट्स पे अपने अध्ययन किए, कुछ चीजें मिलती जुलती समान है इनकी। अब हमारा अभी है नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। तो नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कुछ विद्वानों की धारणाएं अलग अलग है। कोई कहते राजनीति का ये रूप है या राजनीति इसी का ही रूप है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार दोनों में विषय की अपेक्षा उच्चारण और बल का अंतर है। नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र में डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार यह है कि इनमें बल और उच्चारण में अंतर है और विषय दोनों का सेम है, एक जैसा है। नागरिक शास्त्र की शब्द की उत्पत्ति सिविक्स से हुई है। इसको सिविक्स का हिंदी रूपांतरण नागरिक शास्त्र बोलते हैं और अंग्रेजी का शब्द सिविक्स सिविटास, इन शब्दों से मिलकर ये सिविक्स शब्द बनाए। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र जो है पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द जो है यूनानी भाषा के पोलिस और पॉलिटिक्स शब्दों से मिलकर बना है, जिनके अर्थ कर्मशः नगर, राज्य और नागरिक है। जिनका अर्थ नगर बनता है, नागरिक बनता है और राज्य बनता है। इस प्रकार दोनों शास्त्र राज्य के नागरिक के रूप में मनुष्य का अध्ययन करते हैं। दोनों का अध्ययन विषय क्या है, मनुष्य है। दोनों ही मनुष्य का अध्ययन करते हैं, परंतु परंपरा और रूढ़ी ने राजनीति शास्त्र को राज्य के तथा नागरिक शास्त्र को नागरिकता के अध्ययन को सीमित कर दिया। लेकिन परंपरावादी और रूढ़ीवादिता के कारण क्या है, नागरिक शास्त्र को तो नागरिक का अध्ययन का विषय तक सीमित कर दिया और राजनीति शास्त्र को राज्य के अध्ययन तक ही सीमित कर दिया। अब दोनों का क्या है, दोनों के शास्त्र की उत्पत्ति एक है और दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों शास्त्र की उत्पत्ति एक है, दोनों का लक्ष्य भी एक है। नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र का लक्ष्य एक ऐसे है कि नागरिक शास्त्र आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति अपना उत्तम चरित्र और समाज के अनुरूप सकारात्मक कार्य में डाल सके और इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। इसी ये बात सिखाई जाती है नागरिक को कि वो बालक आगे चलकर अच्छा नागरिक बने और देश के निर्माण में, देश के विकास में सहयोग दें, जिससे नागरिक सुखी हो, स्वस्थ हो, सामाजिक हो और समर्थ जीवन अपना व्यतीत कर सकता है। दोनों शास्त्रों का लक्ष्य उन आदर्श परिस्थितियों का अध्ययन करना है जिनमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास करे। राजनीति शास्त्र का भी लक्ष्य होता है कि अच्छा नागरिक बने और देश और समाज का नाम रोशन करे, विकास करे और अच्छा जीवन यापन करे, सकारात्मक सोच के साथ समाज के लिए सकारात्मक कार्य करे, सहयोग और परोपकार की भावना उनमें विकसित हो और परोपकार के कल्याण के कार्य करें। ये दोनों का लक्ष्य रहता है, दोनों विषयों का।
तीसरा है दोनों का विषय लगभग एक है। दोनों का विषय लगभग एक है। राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र के विषय मिलते जुलते हैं। राजनीति शास्त्र और सरकार की उत्पत्ति, उनके निवास, उनके रूप, संगठन आदि पर विचार करता है। नागरिक शास्त्र भी इनसे संबंधित है। दोनों शास्त्र राज्य और सरकार के कार्यों का, राज्य और सरकार के कार्यों प्रकृति का अध्ययन करते हैं। दोनों के राज्य और सरकार के कार्य जो है उनकी प्रकृति क्या है, उनके कार्य क्या, दोनों का इसमें अध्ययन होता है। दोनों में दोनों व्यक्ति के समुदाय के सदस्य के रूप में मानकर चलते हैं। राज्य से संबंधित मनुष्य के अधिकारों कर्तव्यों का विवेचन करते हैं। जो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य क्या है और उनके अधिकार क्या है, दोनों में इसी बात का अध्ययन होता है। इस प्रकार दोनों शास्त्र नागरिक और उसकी क्रियाओं पर विचार करते हैं। दोनों शास्त्र के नागरिक पर अध्ययन करते हैं, उनकी क्रियाओं पर विचार विमर्श करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र उन अवस्थाओं का अध्ययन करता है जिनके कारण व्यक्ति को राज्य में रहना पड़ता है। राजनीति शास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किन अवस्थाओं में नागरिक को उस राज्य में रहना पड़ रहा है। नागरिक शास्त्र नियमों का सृजन करता है कि राज्य में नागरिकों को आदर्श नागरिक बना सकते हैं। उन नियमों को बनाता है नागरिक शास्त्र कि समाज में जो व्यक्ति रहता है वो एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने आप को कैसे स्थापित करता है, उसे कैसे नियमों का चलना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, क्या सेवा की भावना करनी पड़ती है, समाज के लिए क्या कार्य करने पड़ते हैं, ये बातें नागरिक शास्त्र अध्ययन कराता है। संक्षेप में अपने कहें तो नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र के लिए उचित क्षेत्र तैयार करता है। नागरिक शास्त्र नागरिकों को यह ज्ञान देता है कि समाज में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। नागरिक शास्त्र नागरिकों को व्यवहारिक राजनीति की शिक्षा देता है। नागरिक शास्त्र जो है यह बताता है कि व्यक्ति को समाज में कैसा रहना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, और व्यवहारिक राजनीति की शिक्षा नागरिक शास्त्र द्वारा ही मिलती है व्यक्ति को समाज में रह करके। ये चीजें कुछ पॉइंट्स है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र में आपस में संबंध है। इनका संबंध मिलते जुलते हैं, उनकी उत्पत्ति एक है, उनका लक्ष्य एक है, इनका विषय लगभग एक है। ये चीजें हैं जो राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र को आपस में मिलाते हैं। आगे हम अलग विषय के अध्ययन करते हैं। अब हम राजनीति शास्त्र के साथ हो गया, अब हम आगे अध्ययन करते हैं नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। आगे हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। अर्थशास्त्र विषय अलग है, नागरिक शास्त्र अलग है, लेकिन इनमें भी संबंध है। तो पहला है कि दोनों का उद्देश्य समान है, दोनों का समान उद्देश्य है। अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के अर्थ से संबंधित कार्यों का अध्ययन करता है, और इनका अर्थ होता है कि मनुष्य धन की उत्पत्ति कैसे करता है, उसका वितरण कैसे करता है, उसका अपने जीवन में कैसा प्रयोग करता है। ये चीजें सारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। अर्थशास्त्र एक धन संपत्ति का विज्ञान है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। भोजन वस्त्र मकान की जो आवश्यकताएं हैं ये तो आदिम काल से चली आ रही है, मानव की रहती है। अर्थशास्त्र मनुष्य की इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति का ज्ञान करवाता है। मनुष्य अपने पेट पालने के लिए, अपने घर परिवार के परिवर्श के लिए कैसे क्रियाएं करता है, किन क्रियाओं का अध्ययन करता है, किन कैसे करके इनका उपयोग कर सकता है। नागरिक शास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन को सुखी बनाने का अध्ययन करवाता है। अतः नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों का उद्देश्य एक है, मानव कल्याण।
अर्थशास्त्र द्वारा ये होता है कि मानव आर्थिक क्रियाओं द्वारा अपने परिवार को कैसे चलाता है, उसका कैसे उपयोग कर सकता है, जीवन में कैसे सदुपयोग कर सकता है, और ये आर्थिक क्रियाओं द्वारा अर्थशास्त्र द्वारा अध्ययन करता है। और नागरिक शास्त्र जो है मानव के जीवन को सुखी बनाने के लिए अध्ययन करवाता है कि मानव का जीवन समाज के अंदर कैसे सुखी हो सकता है, उसका आदब कायदा कैसा रहेगा। तो ये दोनों चीजें क्या है, उद्देश्य मानव का कल्याण करना है, मानव के लिए दोनों चीजें कल्याणकारी, ये दोनों विषयों का उद्देश्य सेम हुआ। दूसरा है अर्थशास्त्र के ज्ञान के बिना आदर्श नागरिकता संभव नहीं है। अर्थशास्त्र के ज्ञान बिना आदर्श नागरिकता संभव नहीं। अर्थशास्त्र के ज्ञान के बिना हम आदर्श नागरिकता की कल्पना नहीं कर सकते। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना है, परंतु समाज के अंदर भूखे नंगे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से दूर है, जो आर्थिक स्थिति से काफी दरिद्र है, वो क्या है कि ऐसे लोग सामाजिक अपराध करने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास खाने को टाइम भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, तो वो क्या है अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार के लिए सामाजिक अपराध जो है उनमें वो लीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के फिर शत्रु हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, और उनमें सामाजिक गुणों का अभाव रहता है, उनमें सामाजिक गुणों का अपने अपेक्षा नहीं कर सकते उसमें ये समाज के लिए कार्य ऐसा करें। आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में सुधार हो इसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आदर्श नागरिकता उसी समाज में संभव है जिस समाज में आर्थिक दृष्टि से कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि समाज के बराबर चलता रहे। इस प्रकार आदर्श नागरिकता की प्राप्ति में अर्थशास्त्र का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अर्थशास्त्र के बिना व्यक्ति अपने परिवार का संचालन नहीं कर सकता, अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर अर्थशास्त्र का ज्ञान उसके पास होगा तो ही वो समाज में बराबर चल सकेगा और समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर सकता है। इसीलिए अर्थशास्त्र के बिना आदर्श नागरिकता संभव नहीं हो सकती। नंबर तीन है आर्थिक एवं नैतिक उन्नति के लिए दोनों आवश्यक है। आर्थिक एवं नैतिक उन्नति के लिए दोनों आवश्यक है। जिस प्रकार आदर्श नागरिकता के लिए नागरिक शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता होती है, आदर्श नागरिक बनाने के लिए हमें नागरिक शास्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आर्थिक उन्नति के लिए हमें अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। किसी देश की आर्थिक उन्नति कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्यपरायण नागरिकों के पर निर्भर करती है कि व्यक्ति के अंदर अगर ईमानदार कर्मठ व्यक्ति होंगे तो उस पर क्या समाज की जिम्मेवारी रहती है, बागडोर रहती है। नागरिक शास्त्र नागरिकों को इन्हीं गुणों की शिक्षा देता है। नागरिक शास्त्र हमेशा यही गुण सिखाता है कि समाज के लिए परोपकार, सहयोग की भावना करो, आदर्श ईमानदार आदर्श बने, ईमानदारी से कार्य करें, देश के लिए कर्मठ हो। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से योग्य नागरिक बनाने में हमें सहायता मिलती है। समाज के लिए योग्य नागरिक देश के आर्थिक विकास में हाथ बटा सकते हैं। यदि किसी देश के नागरिक सच्चे, ईमानदार, साहसी, उद्यमी और जनसेवी हैं तो वह देश सुगमता से अपना आर्थिक विकास कर सकता है। जिस देश के नागरिक सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उद्यमी हैं, जनसेवक हैं, तो वह देश
अपने स्वतः ही आर्थिक विकास में ऊपर होगा, अपना आर्थिक विकास कर लेगा। यह बागडोर नागरिकों पर आधारित होती है। नंबर चार है, दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थशास्त्र के नियम पर ही नागरिक शास्त्र का महल खड़ा हो सकता है। नियम जो अर्थशास्त्र दे सकता है नागरिक शास्त्र को ऊपर उठाने में, विकसित करने में। आर्थिक उन्नति के बिना नागरिकों का जीवन दुर्बल होता है और राजनीतिक व्यवस्था भी असंभव हो जाएगी। अगर आर्थिक स्थिति से व्यक्ति कमजोर होगा तो समाज के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाएगा और राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार नहीं होगा। यही कारण है कि राज्य वित्त नीति के नियंत्रण और आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा समाज को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। जो राज्य जो होता है उसका वित्त निगम जो डिपार्टमेंट है वह अपने आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा ही समाज को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। समृद्ध तभी बना पाएगा जब आर्थिक क्रियाएं मजबूत होगी। इस कार्य में राज्य को अर्थशास्त्र से सहायता लेता है। आर्थिक दृष्टि से उन्नत समाज में ही आदर्श नागरिकता संभव होती है। अतः अर्थशास्त्र अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श नागरिकों के निर्माण में सहायक है। इस भांति दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मतलब कुल मिला के बात यही है कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र नागरिक शास्त्र दोनों एक दूसरे से ये भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं बहुत ही प्रभावित करती है व्यक्ति को अपने जीवन में। अगर वह आर्थिक क्रियाओं से मजबूत होगा तो ही देश और समाज अपने परिवार के लिए वह कुछ कर पाएगा। आर्थिक क्रिया आर्थिक स्तर से बिल्कुल न्यून है, कमजोर है, तो वह क्या सामाजिक अपराधों की तरफ आकर्षित हो जाएगा और समाज और देश के लिए वह सकारात्मक कार्य नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही।